और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ज्यादातर ब्लड बैंक ड्राई हो गए हैं। इसकी वजह भीषण गर्मी में ब्लड डोनर की कमी को बताया जा रहा है। ब्लड की कमी की समस्या से थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों को ज्यादा जूझना पड़ रहा है। वहीं बिलासपुर में भी इमरजेंसी वाले मरीज के परिजन भी ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। भीषण गर्मी, गर्मी की वजह से पड़ने वाली लू जो इंसान को बीमार कर रही है। कोई राह चलते गिर रहा है तो कोई अपनी पुरानी बीमारी से परेशान है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों में खून की कमी। उधर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी, इधर ब्लड बैंक में खून लेने वालों की संख्या। बिलासपुर में हालात काफी खराब हैं। यहां 10 ब्लड बैंक हैं जो खून की किल्लतों का सामना कर रहे हैं। जरूरी ब्लड ग्रुप के लिए भी मरीज के परिजनों को भटकना पड़ रहा है। बिलासपुर में कुल 10 ब्लड बैंक हैं, 8 प्राइवेट और 2 सरकारी। सभी के हाल कमोबेश एक ही जैसे हैं। 10 ब्लड बैंक्स में खून की भारी किल्लत है। ब्लड के लिए बहुत इधर उधर भटके हैं पहले, और चूंकि नहीं मिल रहा तो मैं खुद दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता ब्लड, दर दर भटकना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे में मैं बोलना चाहूँगा सभी से कि ब्लड डोनेट करें, और आने वाले पीढ़ी को भी बोले कि ब्लड डोनेट करें। रक्तदान जीवन दान है, एक तो सबकी को पता है। चलिए बताते हैं कहाँ कितना ब्लड है। राजधानी ब्लड बैंक में 10 से 12 यूनिट, एकता ब्लड बैंक में 40 से 50 यूनिट, बिलासपुर ब्लड बैंक में 4 से 5 यूनिट, आशीर्वाद ब्लड बैंक में 40 से 45 यूनिट, श्रीराम ब्लड सेंटर पर स्टॉक की कमी, बालाजी ब्लड बैंक में स्टॉक की कमी, बिलासपुर ब्लड सेंटर 5 से 6 यूनिट, हंस वाहिनी ब्लड सेंटर में 30 से 40 यूनिट, जिला अस्पताल में 46 यूनिट ब्लड, सिम्स में 234 यूनिट ब्लड है। ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड की कमी है। ये हाल अकेले बिलासपुर का नहीं, ऐसे ही हाल राजधानी रायपुर समेत कई शहरों के हैं, जहां ब्लड की किल्लत चल रही है। ऐसे में मरीज के परिजन ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं। जिन्हें 5 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, उन्हें महज 1 यूनिट से काम चलाना पड़ रहा है। वहीं कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें ब्लड की कमी के चलते ऑपरेशन टालना पड़ा। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। सामान्य ब्लड ग्रुप भी ब्लड बैंकों में उपलब्ध नहीं है। कई मरीजों के कॉल आ रहे हैं जो मजबूरी में आकर के एडमिट होकर के भी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। कईयों के ऑपरेशन तक भी रुके हुए हैं। स्थिति इतनी ख़राब है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल से जूझ रहे मरीज दूर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलासपुर आ रहे हैं अनजान में, और यहाँ आकर के जब उन्हें पता पड़ रहा है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, फिर वो लौट जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी संस्था जो है ये रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है। हमारा मकसद ये है कि न सिर्फ थैलेसीमिया और सिकल सेल बल्कि बिलासपुर शहर में जितने भी मरीज आकर के इस उम्मीद से बिलासपुर आते हैं कि उन्हें यहाँ सुविधाएँ और ब्लड वगैरह जैसी चीज़ों की मुहैया कराई जाएंगी, उन सबकी मदद की जा सके। वैसे तो एक ब्लड बैंक में 400 से 500 यूनिट ब्लड रखने की क्षमता है। आमतौर पर रोज 25 से 30 यूनिट ब्लड की खपत होती है, लेकिन गर्मी में ब्लड बैंक ड्राई हो गए हैं। डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्थिति ये है कि हर जगह रोजाना 15 से 20 मरीजों के परिजन खून के लिए भटक रहे हैं और खून नहीं मिलने से निराश होकर लौट रहे हैं। बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए ज्यादा संकट की स्थिति है। जिले में 180 थैलेसीमिया बच्चों को खून की आवश्यकता है, और इसके साथ ही सिकल सेल के रोगियों को भी ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड न मिलने की वजह से इस तरह की गंभीर और रक्त की आवश्यकता वाली बीमारी से जूझ रहे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। मैं बिलासपुर की बात करूं तो अगर हमारे पास 20 मरीजों का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो हम 7 या 8 लोगों की ही ब्लड की पूर्ति कर पा रहे हैं, और ये स्थिति केवल एक ब्लड बैंक की नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ के हर एक ब्लड बैंक की स्थिति सेम है। कहीं ना कहीं रेशो अगर देखें तो 70-30 का है। मतलब ये मान के चलिए कि हर एक रोज ऐसा होता है कि 5, 7, 10 लोग हमेशा वापस जाते हैं जिनको हम ब्लड दे ही नहीं पा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की माने तो रक्तदान करने के लिए कोई समय या मौसम का अनुकूल होना आवश्यक नहीं। कोई भी स्वास्थ्य व्यक्ति किसी भी मौसम में बेझिझक रक्तदान कर सकता है। जागरूकता नहीं होने से ब्लड की किल्लत तो होती है, और गर्मी के समय में हम ऐसा मानते हैं क्योंकि थोड़ी किल्लत हो सकती है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं। तो ऐसे समय में जो हमारा जो कैलेंडर बना हुआ है डोनेशन का, हम संस्थाओं को पकड़ते हैं, जैसे NTPC है, रेलवे है, JCC गनियारी है, या फिर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हैं,
और क्या बोलते हैं कलेक्ट्रेट है, ये जो है जहाँ पे गर्मियों की छुट्टी नहीं होती वहाँ पे जा कर के यदि आप निवेदन करते हो तो बहुत अच्छे से हमको ब्लड मिलता है। और ऐसे में आवश्यकता है कि सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन मिलकर रक्तदान जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर ब्लड मुहैया कराया जा सके। बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट, न्यूज 18।